अब यह तो सुनिश्चित हो गया है कि रीट भर्ती 36,000 नहीं अपितु 31,000 पदों पर होगी, लेकिन पुरानी भर्तियों 2016 और 18 को बीच में छोड़कर नई भर्ती को कराना कहीं तर्कसंगत नहीं है, कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर इस भर्ती की 31,000 को करवाने के साथ साथ पुराने पदों पर वेटिंग निकाल दी जाए तो यह भर्ती 31,000 की बजाय 40,000 हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का मानना है कि इतने पद खाली नहीं हैं। तो क्या करवाया जा रहा है, क्या नहीं होगा, क्या पुराने वेटिंग लिस्ट वालों के साथ कोई न्याय होगा, सरकार क्या करेगी, अभी भी असमंजस में है। जानते हैं 2016 और 18 के कितने पद खाली हैं और सरकार क्या करना चाहती है। शिक्षा विभाग में पिछले 2 साल में शिक्षकों की 68,544 भर्तियाँ निकाली गई है, जिसमें से 8,428 पदों पर ज्वाइन नहीं किया गया। इसका मुख्य कारण यह है कि रीट और आरटेट के प्रमाण पत्र से नौकरी देने के कारण बहुत सारे शिक्षकों ने, कैंडिडेट्स ने 2 बार भर्ती का फायदा उठाया है। एक ही प्रमाण पत्र से 2 बार चयन के कारण पद बहुत ज़्यादा खाली रहे। दोनों ही भर्तियों में लेवल 1 में तो रीट आरटेट के अंकों से मेरिट बनी, और वहीं दूसरी तरफ लेवल 2 वालों के लिए रीट के अंकों का 30% और ग्रेजुएशन का 17% रहा। और अभी भी वेटेज का क्या सिस्टम रहेगा, कोई स्थिति क्लियर नहीं है। 10-90 है, 20-80 है, क्या रहेगा, इसके लिए सभी स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं 2016 में भी, 2018 में भी, क्योंकि एक ही प्रमाण पत्र से 2 बार उनका सिलेक्शन हो गया है। वर्तमान में 2016 के पदों पर अंग्रेजी के 1,062, हिंदी के 48, विज्ञान और गणित के 1,257 और सामाजिक विज्ञान के 10, इस प्रकार 2,377 पद 2016 वाली भर्ती के खाली हैं। अगर इनके वेटिंग लिस्ट निकाली जाए तो 2,377 पदों पर नए शिक्षकों को, नए कैंडिडेट्स को सुनहरा का मौका मिल सकता है। वहीं 2016 की तुलना में 2018 के पदों पर अंग्रेजी में 743, विज्ञान और गणित के 208, सामाजिक विज्ञान के 1,051, संस्कृत के 609 और सिंधी के 33 और उर्दू के 23, यानी 2,957 पद अभी भी खाली हैं। इस प्रकार लेवल 1 की भर्ती में खाली रह गए 2,928 पद। 2016 में 7,806 पदों में से 7,640 पदों पर ही नियुक्ति हुई, 166 पद खाली रहे। 2 साल में फिर लेवल 1 26,000 में से 23,238 पदों पर नियुक्ति हुई, 2,762 पद खाली रह गए। इस तरह से लेवल 1 के 2,928 पद खाली हैं, और लेवल 1 और 2016 के लेवल 2 और 2016 के बाद लेवल 2 2018 तीनों मिलाकर 8,428 पदों पर ज्वाइनिंग नहीं करने वाले कंट्रोल की तादाद बहुत ज़्यादा है। इनको नई भर्ती के साथ जोड़ा जा रहा है या इनकी वेटिंग निकाली जा रही है, अभी तक शिक्षा मंत्री ने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिए हैं। अगर इनकी वेटिंग निकाली जाए तो ये ज़्यादा आसार होगा, ताकि पुराने शिक्षक जो अभी भी पॉइंट्स में अटके हुए हैं और रोज़ाना नित वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक यह स्थिति क्लियर नहीं की गई है। 2016 के लिए वेटिंग लिस्ट निकालने के कोर्ट द्वारा आदेश भी जारी हो चुके हैं, 2018 के लिए क्या होगा अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसे ही नई न्यूज़ आती है डाल दी जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई सूचनाएं आपके पास मिलती रहे, आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए जहां चैनल चल रहा है उसके नीचे चैनल का नाम और आगे सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर में, इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बेल आइकन शो हो रहा है, उसको क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। और इस वीडियो को, क्योंकि ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो शेयर करना न भूलें।